अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा था रेनोवेशन के, कि हमारा काम पेंटिंग तक हुआ था। अब जो है यहाँ पे बारी आई है पॉलिश की, तो खिड़की दरवाजे जो हैं वो सारे कुछ पॉलिश हो रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, इन खिड़कियों में घिसाई का काम हो रहा है। घिसाई के बाद ही अच्छी पॉलिश आती है। और ये पोर्शन पेंटिंग के लिए रह गया था, क्योंकि यहाँ पे भाड़ा बनना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़े लंबे लंबे बांस हैं और यहाँ भाड़े बांधने की तैयारी हो रही है। तो उसके लिए दो लोग नीचे लगे हैं, दो लोग ऊपर और एक लोग बीच में है। तो ये काफ़ी रिस्की काम भी था और डिफ़िकल्ट काम था, तो इसलिए लास्ट में छोड़ दिया था। तो अब देखिए, यहाँ पर भाड़ा बन गया है और अब यहाँ पर एक बार पुताई हो चुकी है और बाकी तो पूरे पोर्शन में ऑलमोस्ट पेंटिंग का काम हो गया था। और ये देखिए, जाली जो थी वहाँ पे पेंट हो गया है। और ये देखिए, एक जो है कबूतर घर के अंदर आ गया था, उसको हम लोग उड़ा रहे थे, लेकिन वो कहीं घर ही में ही जा जा के इधर उधर बैठ रहा था, कभी इधर कभी उधर फैन पे। तो गर्मियों में इन लोग का ख़ास ध्यान रखा करें, पानी वगैरह का, क्योंकि ये बेज़ुबान परिंदे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे खड़े होके ये स्टेप बना देते हैं ऊँचे ऊँचे से। तो उसमें खिड़की वगैरह भी दो हैं, तो उसका पेंट हो रहा है। और यहाँ देखिए, फेंसिंग भी पेंट हो गई है ग्रे कलर से, और गोल्डन कलर का यहाँ पे आउटिंग करी गई है। और गेट भी देखिए, कुछ चॉकलेटी सा कलर इसमें लगा है और सिल्वर कलर का हाईलाइट किया है। और यहाँ पे जो फर्नीचर जो टूट फूट गया था, तो उसकी रिपेयरिंग चल रही है। ये एक बाथरूम है, तो उसके भी यहाँ पे पेंट हो गया है। और अभी भी काफ़ी कुछ फैला हुआ है। और ये प्लाई वगैरह निकाल के टूट गई थी सोफ़े की और इसकी बेड की, तो फिर नई सी प्लाई वगैरह इसमें लगी हुई है बेड में। और नेक्स्ट यहाँ पे हो रही थी वेल्डिंग, क्योंकि हम लोग की चौखट जो है मेन डोर की, वो एकदम बेकार हो गई थी, दीमक वगैरह लग गया था। तो अब की बार हम लोगों ने चौखट लगाई है लोहे की, तो उसमें वेल्डिंग से सारा कुछ फिक्स हो रहा है, फिटकिनी वगैरह। और कुछ पोर्शन में हम लोगों ने ऊपर भी पेंट कराया है, जो बाहर का हम लोग का लिविंग एरिया है। तो उसकी वॉल पर देखिए, ये पूरी दो वॉल है, इस पर हम लोग ने टाइल्स भी लगवाया था। तो इसकी वॉल फिर टाइल्स के बाद और गंदी सी लगने लगी थी, और तो इसीलिए सोचा कि यहाँ पे कलर भी करवा दें। तो ऊपर भी देखिए, पूरा उलझ गया है सारा। किचन भी हमारा बाहर आ गया है, क्योंकि किचन में भी एक कोट हम लोग करा रहे थे। ये सामने की मेरी पूरी यूनिट जो है किचन की, कैबिनेट की, वो नीचे शिफ्ट होगी। और ये देखिए, किचन का हाल कुछ ऐसा है। और यहाँ पे देखिए, जो बचा कुचा पेंट था तो वो यूज़ भी हो जा रहा है, थोड़ा बहुत बस मंगाना पड़ा। और ये नीचे का किचन है, तो ये लोग आए थे नेक्स्ट डे, तो इंस्टॉल कर रहे थे किचन। तो ये कलर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। एक काम करो, फिर सफाई करो, फिर दूसरे लोग आते हैं, वो दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, और फिर उतनी ही गंदगी हो जाती है। तो देखिए, जब किचन वालों ने अपना काम शुरू किया, तो पूरा कितना इन लोगों ने भी पूरी गंदगी मचा के रख दी। होता ही है, तो उनका काम है, फिक्स करेंगे तो वो गंदा तो होगा ही, क्योंकि इनका सारा सामान पैकेट में था। तो कुछ कुछ सामान हम लोग नीचे ला के अपने रखने लगे हैं। सलमारी को भी पेंट कराना है। और यहाँ पे देखिए, किचन सेट कर रहे हैं ये लोग। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ काम हो रहा था अवनिंग कर्टेन का, क्योंकि मेरा जो घर है ना, वो पूरा रुख उसका धूप का है, पूरे टाइम इसमें जो है धूप आती रहती है। तो अभी हम लोगों ने नया नया पेंट वगैरह कराया है, तो उसको सेफ़ करने के लिए सामने की खिड़की दरवाजे, तो यहाँ पे ये अवनिंग कर्टन हम लोग लगवा रहे थे। तो इसको वैसे शामियाना भी बोलते हैं, तो उनके बंदे आए हुए थे, ये बना बनाया ही लाते हैं और बस फिक्स कर देते हैं ड्रिल से। तो देखिए, कुछ इस तरह से लग रहा है। ये 5 फिट तक खुल जाता है, और फिर इसके साथ एक अटैचमेंट दिया रहता है, उससे आप छड़ी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए, कुछ ऐसे खुल के हैं, ताकि धूप से बारिश से आपके जो बाहर के विंडोज़ हैं या दरवाजे हैं, वो सेफ़ रहते हैं। ये खुला इतना होता है, 5 फिट तक खुल जाता।
और देखिए पूरा ऐसे इसका लुक है, लुक भी अच्छा सा आ रहा है। और बंद होने पे ये इतना भी 2 फीट 3 फीट आप जैसे चाहें इसको खोल या बंद कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों आपको दिखाए हैं, बस इसके साथ जो है ये एक छड़ी देते हैं, तो इसको जब आप घुमाएंगे, ये छड़ी है इसकी, तो ये घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये फिर आपका फोल्ड हो जाएगा। तो काफ़ी यूज़फुल है ये। और अब चलते हैं नीचे और दिखाते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो आज हो रही थी यहाँ पे मेरे जो पोर्च है वहाँ पे कोटा मार्बल लगा हुआ है, तो उसकी घिसाई नहीं हो पाई थी, कई 2-3 साल हो गए लगे हुए इसको। तो अब जब सारा काम घर का हो रहा है तो फिर इस घिसाई का नंबर भी फाइनली आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 2 लोग लगे हुए हैं मशीन से घिसाई कर रहे हैं। और अब ये नेक्स्ट डे की है, तो यहाँ पे देखिए घिसाई के बाद कुछ इस तरह से ये चमक सा रहा है जो मार्बल लगा हुआ है। तो एक के बाद एक काफ़ी काम निकलते जा रहे थे और धीरे धीरे सब काम एक के बाद एक हो रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे पैनल भी लगना स्टार्ट हो गया था। तो ये देखिए पैनल लगाने के लिए भी 4-5 लोग आए हुए हैं। तो इस तरह का है पैनल, ये एक लिविंग रूम का है और साथ में इनका ये सारा कुछ सामान रखा था, बेडिंग वगैरह, दरवाजे वगैरह फिर से खोल के रखने पड़े। देखिए अब आपको कितना साफ़ सुथरा लग रहा होगा नीचे का फर्श वगैरह, लेकिन फिर से काम शुरू होगा, फिर से फिर गंदगी होगी। ये एक कमरे का है और ये दूसरे कमरे में वुडन वाला लग रहा है। ये देखिए इस तरीके का। और पैनल लगाना सक्सेस होता है कि नहीं, ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज हो तो। हम लोग ने थोड़े पोर्शन में पेंटिंग या पुताई कराई थी और बाकी में पैनल लगवा रहे थे। वो देखिए पूरा खिड़की के साइड का भी लग के काफ़ी अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। ये देखिए ये दूसरे रूम में लगा है, तो इसके कॉम्बिनेशन करके लगवाया है, एक रूम में एक वॉल एक तरह की बाकी की 3 तरह की। और ये टीवी यूनिट के लिए वॉल बनवाई है हम लोगों ने, ये फ्लोटेड होता है पैनल। और ये देखिए ये दूसरा रूम है, उसमें ऐसा प्रिंट लगवाया है 2 कलर के। और ये वाली वॉल काफ़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगी हैं, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा वाइट वाला बॉक्स लगा के रखा है, इसमें 3 लाइटें ऐसे लगाई हैं, तो इससे इसका लुक और अच्छा आ गया है। और कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको फुल्ली फर्निश्ड होम की वीडियो चाहिए या होम टूर चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करिएगा। और दूसरे रूम में देखिए इस तरह की ये लाइटिंग लगी है, तो ये लाइटिंग भी बहुत काफ़ी अच्छी सी थी, मतलब ऊपर नीचे दीवार तक इसका जो है लुक जा रहा था। तो बस यही था हमारा जो रेनोवेशन चल रहा था, अभी सेटिंग होना बाकी है घर की, अभी तो सामान सारा ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ पे भी देखिए 3 लाइट लगाई है, तो ये भी बड़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, फिर आपसे मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।